नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं मेघा सिंह। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का नाम एक समय इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में लिया जाता था। मलाइका और अरबाज इंडस्ट्री के हर बड़ी पार्टी के शान हुआ करते थे। आपको बता दें कि मलाइका और अरबाज की पहली मुलाकात एक फ़ोटो शूट के दौरान हुई थी और कहते हैं कि पहली ही नज़र में इन दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया था। कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1998 में इन्होंने शादी कर ली थी। इस शादी से मलाइका और अरबाज के घर बेटे अरहान खान का जन्म हुआ था। मलाइका और अरबाज के बीच शादी के एक लंबे समय के बाद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद उनके बीच की अनबन जगजाहिर होने लगी थी। मलाइका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह समय काफी कठिन था, क्योंकि वे और अरबाज ना सिर्फ एक दूसरे के लिए परेशानी बन रहे थे, बल्कि उनके रिलेशनशिप के बीच उठा पटक में खामी आजा उनके आसपास वाले भी भुगत रहे थे। मलाइका की माने तो उनका बेटा अरहान तब तक बड़ा हो चुका था और वह यह सारी चीजें देख और समझ रहा था। मलाइका के अनुसार अरहान यह भली भांति समझ चुका था कि उनके पेरेंट्स साथ रहकर नहीं बल्कि अलग अलग रहकर ज्यादा खुश है। बहरहाल शादी के 19 साल बाद 2017 में मलाइका और अरबाज तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। तलाक के बाद मलाइका भी खुश रहने लगी थी। मलाइका की माने तो अरबाज से तलाक के बाद एक बार उनके बेटे अरहान का भी यही कहना था कि माँ आपको हंसते हुए देखकर अच्छा लगता है। आपको बता दें कि अरबाज के तलाक के बाद बेटे की कस्टडी मलाइका को ही मिली है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।